Assalamu alaikum and welcome to Run Chase and welcome back after call to prayer. Azan. We're done with Azan and it's game time here at the center of TRC Dalgate. 189 is the target. Nasir Kumar in the middle and he's got his colleague alongside. Shabil Apti looks like from this angle. I can say it's a right and left hand combination in the middle. The duo, the righty and the lefty. And Sultan is now talking of the spritz, looking in high spritz at the moment. At one stage, they were down and out. The nice comeback, and it was Pando show today. And he sealed the deal in style, seized an initiative, and set the tone for big chase. Now it's going to be Nasir Kumar and Shabil Apti. Of course, it's a right and left hand combination in the middle. Imtiaz Lefty to open the attack as usual. He's going to bowl from that far end. Assalamualaikum, हार्दिक स्वागत सभी श्रोताओं का. दूसरी पारी लेकर के हम आपकी सेवा में उपस्थित. टीआरसी डेलगेट से ये लाइव प्रसारण आप तक पहुंच रहा है और ऐसे में आप जा करके नासिर कुमार स्ट्राइक लेने की तैयारी कर रहे हैं. शबीर लेफ्टी उनके साथ प्रारंभ करने उतरे हैं. जहां तक स्काई स्टार बड़गाम की टीम का सवाल है, 190 चाहिए जीत के लिए निर्धारित 18 ओवर में. और इम्तियाज लेफ्टी दूसरी पारी प्रारंभ करने जा रहे हैं गेंदबाजी में. पहली गेंद बाएं हाथ के गेंदबाज कुमार के लिए, लेग स्टंप से बाहर. यदि शाहीन गेंद, विकेट कीपर वसीम कासर चौके और यहाँ पहला रन खाते में जोड़ते हुआ दो. शुरुआत यहाँ दूसरी पारी के, खाता खुला स्काई स्टार बड़गाम का दो बगैर नुकसान. Starts up with a wide ball down the leg side. Assalamu alaikum. And Arif Saab is here. Thank you, sir, for your presence. Coming back to the game. 2 for none. 189 is the target. Nazir, it will take some doing, but these two lads, they need to put on a show. While batting first, they were in a spot of bother. But in the middle of this, Sultan sends it a comeback. But it isn't easy. While chasing, you need a good start. You need a foundation for the big chase. निश्चित तौर पे एक ठोस शुरुआत की आवश्यकता, एक ठोस आधारशिला की आवश्यकता. प्रारंभिक जोड़ी थोड़ा, जहां तक स्काई स्टार बड़गाम की टीम का सवाल है. एक शानदार और आकर्षक शायद रक्षण लगा के रखा ऑफसाइड में यहां इम्तियाज लेफ्टी ने. और ऐसे में बाएं हाथ के बल्लेबाज शबीर लेफ्टी सामना करने के लिए तैयार. दो बगैर नुकसान के, 190 चाहिए, 18 ओवर की पारी होगी. और नासिर कुमार जो कि नॉन स्टार की चोट पे हैं और उन पे नजरें जरूर रहेंगी समर्थकों की, उनकी टीम की. फिलहाल इम्तियाज लेफ्टी की गेंद और इस बार उठा करके खेला लॉन्ग ऑन की और सीमा रेखा से बाहर. जस्ट मुखारा छक्का शबीर लेफ्टी के बल्ले से निकलता हुआ पहला छक्का. रन संख्या स्काई स्टार बड़गाम की 8 पहले ओवर में बगैर नुकसान के. स्ट्रेट ओवर द बॉल इज हिट एंड इनटू द साइड स्क्रीन. 6 मोर एंड दैट 6 ब्रॉट टू बाय जस्ट मुखारा. इट्स 8 विदाउट लॉस. गुड स्टार्ट, ब्रिलियंट शॉट दिस फ्रॉम लेफ्ट हैंड शबीर लेफ्टी. नेक्स्ट मैन अगेन शेपिंग फॉर द बिग शॉट. ही टुक पेस ऑफ द बॉल, डज वेल एंड क्लेवरली डन. He knew that this lad is waiting for the pace, and I think it's better to take pace off the ball. You know that pace is taken to the cleaners. देखिए इस विकेट पे तेज गेंदबाजों के लिए स्विच टू पेस ऑफ एंड यू गोना गेट डिजायर्ड रिजल्ट. और ज्यादा कुछ है नहीं, तो ऐसे में आपको वो जो विविधताएं आपके पास है उनका इस्तेमाल करना होगा, यहाँ प्रयोग करना होगा. चतुराई के साथ गेंदबाजी करनी होगी सुल्तान के गेंदबाजों को. इस बार ऑन साइड में और फ्लिक किया, गेंद को निकाल दिया खाली क्षेत्र में, सीमा रेखा से बाहर. 4 रनों के लिए एक और जस्ट मौका चौका लेफ्ट के बल्ले से निकलता, 10 पर पहुंचे वो. रन संख्या 12 इस समय स्काई स्टार बड़गाम के बगैर नुकसान के. लाइन पनिश्ड पेनलाइज्ड इन स्टाइल. And he flicks it round the corner down to the final leg fence for 4. Does well, neatly done. Sweet timing behind that shot and earning a boundary. 12 without loss into the double figures. In just 7 number 1, chasing 189. Need a positive start. And they're up to positive start here. A good start. 12 without loss. A slip is in place. There is Hamid. Next one. Oh, gorgeous. Classy Shabir Lefty, scare card and earn him a boundary. Classy one, and that was brought to you by Just Bukhara. But that shot, that was a classy. What a shot, sublime. और दो खिलाड़ियों को वहां चीरती हुई गेंद सीमा रेखा से बाहर निकल गई. चौका मिला यहां जस्ट बोकारा. 16 पे जा पहुंची रन संख्या. दबाव इस समय गेंदबाजों पर. ये गेंद और इस बार हवा में उड़ता हुआ स्ट्रोक. एक और चौका मिलेगा, गेंद सीमा रेखा से बाहर. एक और जस्ट बोकारा चौका. 20 रन यहां दबाव में गेंदबाज. 20 of 5 balls, big over this. And if you remember, Nazir, we saw 23 coming up the very first of it was Marsha. And he's trying to repeat it here. And it has been well said, history can repeat itself. And we are in not that much history. And it is just inning number 2 here. And it's again 20 of 5 balls. Here we saw inning number 1, first over 23. And a wicket coming. Is he going to pick one here? In search of wicket number 1, here is skipper Imtiaz Lefty.
to Shabir Lefty. Down the leg side, down the leg side. Is it a wide? No. Leg by signal, 24 of the over. And we saw 23 of the over for one. Now 24 without loss. What a start. Dream start. It's a dreamy start. And up to fly, rapid start. 24 of the very first over. Eventful, one big over. They need it. अच्छी शुरुआत यहाँ स्काई स्टार बडगाम के लिए, लेकिन अच्छी शुरुआत सुल्तान वारियर्स बारामुल्ला के लिए नहीं कही जा सकती। 24 रन पहले ओवर से, और जब आपके सामने 190 का लक्ष्य है तो ऐसे में एक बेहतरीन शुरुआत देनी होगी गेंदबाजों को। शुरुआत में आपको नपित उलिक की किफायती गेंदबाजी, पावर प्ले में यहाँ अंकुश लगाना होगा रन गति पे, साथ में विकेट चटकाने होंगे, तब जाकर के दबाव बढ़ेगा विपक्षी टीम पे। और ऐसे में अगर स्काई स्टार की बात करें तो अच्छी शुरुआत उनके बल्लेबाजों ने, और शबीर लेफ्टी ने खासकर बेहतर इस्तेमाल किया गति का, और तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी भी की, दबाव बनाया। इम्तियाज लेफ्टी का पहला ओवर काफी खर्चीला साबित हुआ, 24 रन पहले ओवर से आए। पारी का दूसरा ओवर प्रारंभ होने जा रहा है, सामने होंगे नासिर कुमार। 24 विदाउट लॉस आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ओवर नंबर 1 एंड इट्स गोइंग टू बी साइल काउंट बॉल एंड गोस बैक टू द पेस अगेन एंड वी सॉ इन इनिंग नंबर 1 इट वाज पेस एंड स्पिन द डी ऑफ द कॉम्बो बट हियर इट्स पेस एंड पेस ही Captain want pace up front. He doesn't want to mix it up. And he want pace combo the deal. Straight away, over number 2. 24 without loss. Target 189. As we watch style count for the first time. On strike is Nasir Kumar. Yet to open his account. He's in red hot form again. First ball. Shaping for that punchy drive. Missed out. Misses the line of ball. It's a dot ball. It's a precious dot and Sahil Khan will be happy, will be a happier man after that dot ball, because Nasir was shaping for that punchy one but unable to middle that one. It's a dot ball. 24 without loss. नासिर कुमार को शांत रखना है तो उनके स्ट्रॉन्ग जोन से बचना होगा, वहां आपको आक्रमण नहीं करना है, उनको विकेट चाहिए जल्द से जल्द। यहां सुल्तान वारियर्स बारामूला की टीम को बरकत मौका इस्तेमाल, फिर ऑफ स्टंप से बाहर एक कोण बनाया गेंद ने, विकेट कीपर वसीम काचरू ने गेंद को सही तरीके से गैदर किया, लेकिन वाइड का इशारा अंपायर का आया। एक रन और खाते में दूसरे ओवर में स्काई स्टार बडगाम 25 बगैर नुकसान के। 25 विदाउट लॉस, 1.1 डन एंड दैट्स अ वाइड डिलीवरी, नीड टू रीलोड एंड रीबॉल दैट वन. And it was outward moment there, moving wildly outward, called as a wide. 189 is the target, 25 without loss. Sultan's under the pump at the moment, literally, as 25 in just 7 balls. Here is Sahil again to Nasir Kumar. Kumar wanted to go cross the line, just roll back and then shaping for that pull shot. No connection again, unable to connect. It's a dot ball. खूबसूरत गेंदबाजी, अच्छी गेंदबाजी अभी तक बांध के रखा है नासिर कुमार को वहां साहिल खान ने। ये दूसरा ओवर पारी का, हालांकि इम्तियाज लेफ्टी ने 24 कर 24 ओवर से एक अतिरिक्त के रूप में आया, 25 रन संख्या दूसरा ओवर पारी का चलता हुआ। और यहां रन गति पे अंकुश लगाना होगा, यहां सिंगल डबल पे अंकुश लगाना होगा, यहां विकेट तलाशने होंगे, प्रारंभ में ही दबाव बनाना होगा, एक सटीक लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करनी होगी, सही दिशा और लंबाई के साथ नियंत्रित गेंदबाजी करनी होगी सुल्तान के गेंदबाजों को। इस बार उसको दिशा दे दी, हालांकि सीधे खिलाड़ी के पास वहां खिलाड़ी तैनात, उन्होंने गेंद को फील्ड तो कर लिया, रन बनने की संभावना समाप्त हुई। नासिर कुमार अभी तक खाता नहीं खोल पाए, हालांकि इस समय रन संख्या 25 है स्काई स्टार बडगाम की, बगैर नुकसान के 189 चाहिए जीत के लिए 18 ओवर में। नीड अ सॉलिड स्टार्ट एंड नासिर कुमार इज लुकिंग वॉचफुल देयर एंड दिस इज व्हाट स्काई स्टार रिक्वायर फ्रॉम दिस लैड एंड ही नीड टू टेक टाइम एंड गेट योर आईज इन पुट प्रीमियम ऑन योर विकेट हियर इज साहिल अगेन एंड नासिर इज lucky to survive scare and he won't change up glove straight away and will it be happy or will it be lucky and sometimes it doesn't work change your bat or the gloves but let's find it out it's 25 without loss and Nasir unable to connect this server he's struggling little bit to be precise because he's unable to hit it away and got two deliveries width on offer you call that favorite zone or you call that strong zone of Nasir and he missed out twice in the server dusra over aur aise mein 25 samapt ran sankhya
बगैर नुकसान के नासिर कुमार और शबीर लेफ्टे की जोड़ी। और इस ओवर में अभी तक नासिर कुमार के बल्ले से रन नहीं आया है और ऑफस्टंप से बाहर आक्रमण रखा है। अच्छी खासी रफ्तार के साथ गेंदबाजी की है और उनसे थोड़ा सा दूर रखने का प्रयास यहां गेंदबाज साहिल खान का। ये गेंद और इस बार जगह मिल गई, स्ट्रोक खेला, गेंद सीमा रेखा से बाहर निकल गई। चार रनों के लिए पहला चौका जस्ट मोखरा नासिर कुमार के बल्ले से, और इस चौके की आवश्यकता भी थी। आत्मविश्वास लौटा होगा नासिर कुमार का। रन संख्या अब जाकर के 29 पे पहुंची दूसरे ओवर में बगैर नुकसान के। तकदीर चेंज हुआ यहां बैट्समैन नासिर कुमार का। जैसे उन्होंने ग्लव्स चेंज किए तो रन आने लगे, कुछ ना कुछ था और शायद इस ग्लव्स में या पिछले ग्लव्स में जहां लगातार तो वो बीट हुए थे। जैसे नए ग्लव्स उन्होंने लाओ, टॉप एज लगा स्लिप कॉटन के ऊपर से एक और चौका, और लगातार यहां दो गेंदों में दो चौके लगे नासिर कुमार के बल्ले से। जस्ट बोकारा चौका, दो चौके, 8 पे कुमार और रन संख्या 33 दो ओवर की समाप्ति के बाद। दो रन, दो ओवर समाप्त, 33 रन बने, 189। और रन गति को यहां अंकुश लगाना होगा, लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि जितना आप रन गति पे अंकुश लगाएंगे दबाव बढ़ेगा बल्लेबाजों पर। You're absolutely right, and Sultans need a breakthrough up front. At the moment there is on the receiving end, and likewise it's a kind of a Sam start, but they're unhurt and Sultans were one down after the completion of two overs, literally there. But got to give credit, due credit to these two lads, the way they are taking full toll of everything here, and they're playing calculative game and taking calculative risk. But Shabir Lefty has delivered the punch, and we saw that shot straight over the bowler set. The next one, that square cut, and that was a gorgeous and sublime one. And it's 33 without loss in over number 3. Changing the bowling spin into the attack, and it's Nadeem Dutt to bowl for the first time in this match, and Sultan's in a spot of bother. And here comes the crisis man Nadeem Dutt for Sultan Warriors. Is he going to deliver with the ball? Is Nadeem first ball, roll back quickly and sends it straight down towards long on. A single is all he's going to get. सिंगल इज ऑन, इट्स 50, इट्स 34 विदाउट लॉस इन ओवर नंबर 3। 2.1 पहला परिवर्तन ने इम्तियाज लेफ्टी को हटा करके उनके स्थान पर नदीम डार गेंदबाजी कर रहे हैं। ये उनका पहला ओवर है और पारी का तीसरा ओवर सुल्तान वॉरियर्स बारामूला की गेंदबाजी का जहां तक सवाल है। ऐसे में नासिर कुमार सामने रहेंगे, 8 पे हैं। शबीर लेफ्टी नॉन स्ट्राइकिंग छोड़ पे और रन संख्या जो इस समय 34 पे जा पहुंची है तीसरे ओवर में बगैर नुकसान के। नासिर कुमार सामने नदीम डार, छोटा सा बॉलिंग रनअप, तिरछे रनअप के साथ क्रीज के कोने से ये गेंद, और इस बार लेग साइड में उसको खेलने का प्रयास अपील की जा रही है। हालांकि रन लेने का वहां प्रयास जरूर किया था, वापस भेजा नासिर कुमार ने शबीर लेफ्टी को। रनों की गति में कोई वृद्धि नहीं, 34 तीसरे ओवर में बगैर नुकसान के। 189 चाहिए जीत के लिए। दूसरा मुकाबला इस मुकाबले के तुरंत समाप्ति के बाद होगा, जहां रॉयल गुडविल की टीम भिड़ंत करेगी डोडो रेंजर्स कश्मीर के साथ। अगली गेंद नदीम डार, दाहिने हाथ से ये गेंद, इस बार फिर लेग साइड में उसको प्ले किया और गेंद फाइन लग गई और सीमा रेखा से बाहर निकलते हुए चार रनों के लिए एक और जस्ट बोखारा चौका। यह रन गति पे अभी तक विराम लगा नहीं है, कहानी वही, क्योंकि कभी आप लेग स्टंप से बाहर दिशाहीन गेंदबाजी कर रहे हैं, ऑफ स्टंप से बाहर जगह दे रहे हैं बल्लेबाजों को, यहां वो साधारणता अभी तक गेंदबाजी में दिखाई नहीं दी है। विकेट टू विकेट अभी तक गेंदबाजी देखने को नहीं मिली है सुल्तान के गेंदबाजों द्वारा। डर रहे हैं गेंदबाज, क्योंकि एक अलग सा डर पैदा कर दिया गेंदबाजों के अंदर नासिर कुमार ने, क्योंकि पिछले और एक दो तीन महीने से लगातार वो गेंदबाजों की पिटाई कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि शायद गेंदबाज डर रहे हैं, कभी ऑफ स्टंप के आसपास, कभी लेग स्टंप के आसपास, कभी दिशाहीन गेंदबाजी हो रही है। और नदीम डार एक बार फिर इस ओवर में अगली मरतबा गेंद खेला, इसीलिए मैं कह रहा था ये एक बड़ा चक्का, और इसी के लिए नासिर कुमार जाने जाते, तभी तो मैंने कहा था कि शायद गेंदबाज वहां डर रहे हैं। ऑफ स्टंप से बाहर जगह मिली कुमार का वो प्रिय स्ट्रोक, और मिड विकेट के ऊपर सीमा रेखा से बाहर जस्ट बोखारा छक्का। इस छक्के के साथ कुमार अब करीब करीब 18 अथवा 20 तक पहुंच चुके हैं, ये देखना होगा। लेकिन 18 पे रन संख्या 44 बगैर नुकसान के। 44 ऑन द बोर्ड, एंड दिस कुड बी अ बॉलर हिमसेल्फ सेटलिंग, नो से साइल टू कम इन, एंड ही ड्रॉप्ड अ कैच, कैन यू बिलीव। वेल लुक एट द रोड फ्रॉम द क्राउड, नॉट अ मैन यू वांट टू ड्रॉप, ही ड्रॉप्ड अ सिटर, अ डॉली। I can understand with the verbal downwards, but should have been taken. Not a man you want to drop. And Nasir Kumar gets the lifeline. Danger man survives. And further trouble for Sultan Warriors. And look at Skipper. He can't believe that. And Skipper is the man concerned on the field at the moment.
और निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ा जीवनदान नासिर कुमार को, और ऐसे में यूं कहना चाहिए कि एक बहुत बड़ा यहाँ गांव लगा है सुल्तान वारियर्स बारामूला की टीम को, क्योंकि इस विकेट का कितना महत्व है ये सुल्तान वारियर्स बारामूला की टीम पूरी तरह से जानती है। लुक्स लाइक इट्स गोना डीप, इट्स गोना हर्ट देम डीप, बट लेट अस सी एट द मोमेंट। इट्स 44 अप टू 3 चेजिंग 189 फ्रॉम एलॉटेड 18 ओवर्स। But look at these two lads. They know that they're chasing 189. They only have 18 overs at their disposal. Here is the pressure. Sahil Khan into the attack again. Oh, look at that one. Oh, middled into the extra cover fence. Runs four of them. Little back away, and this is Shabil Apti at his very own best. In his natural style, and belted it down to the extra cover. And that brought to you by Jess Bukhari. It's 48. In no time, they're running away with the scorecard here. देखिए चौथा ओवर पारी का चल रहा है, 48 बगैर नुकसान के विकेट तलाशने होंगे। यहाँ विकेट की आवश्यकता है सुल्तान वारियर्स बारामूला की टीम को। साहिल खान अगली गेंद लेकर के लेफ्टी के लिए फिर इस बार ऑन साइड में, लेकिन यहाँ खिलाड़ी तैनात हैं। केवल एक रन मिलेगा। नासिर कुमार अब स्ट्राइक पर रहेंगे 49 चौथे ओवर में बगैर नुकसान के। स्काई स्टार बरगाम 189 का पीछा करते हुए वन ओवर एट 49 140 अबे एंड रिकॉर्ड इज 9.5 ऑन एन ओवर। But the current rate is 15 and over. They're going all guns blazing, and they're going berserk at the moment. It's a kind of carnage which continues here at TRC Sports Field. And credit goes to Imran Butt, entire team of Dalgate Sports Club, and hosting wonderful tournament, Kashmir Cup Season 2, match number 13. Oh, next one gone flat, gone all the way. Six more. Oh, car sparked in that place. Please take care of your cars there, and it's a car parking area, and that one parked into that parking lot, and that's gone all the way, gone flat, run six of them. What a shot, and 50 comes up in over number 4. Nasir Kumar moves to 24 of just 12 balls. मगर उस क्षेत्र में वाहन और यहां गेंदबाज का इम्तिहान, बीच में खड़े हैं नासिर कुमार और गेंदबाजों का ले रहे हैं वो इम्तिहान। Exactly, इम्तिहान वाहन, and everything is going on, and let's see where is this one going. And it's 55 without loss. Sultan is feeling the heat at the moment. Pacers taken to the cleaners. Here is the next one. Nasir comes down the track, gives himself charge, but doesn't connect. But I think this isn't what Nasir required at the moment. He's right on top of the bowling. You're chasing 189. You can't take anything for granted as you're chasing 189. And this is the game of glorious uncertainties. देखिए इसमें कोई दौरा नहीं, महान अनिश्चितताओं का खेल है। यहाँ विकेट तलाशने हैं, हालांकि नासिर कुमार अब हर गेंद पे प्रहार करने का प्रयास कर रहे हैं, दबाव बनाना चाहते हैं गेंदबाजों पर। साहिल की अगली गेंद, इस बार फिर लेग स्टंप से बाहर। ये थी शाहीन गेंदबाजी, और इस क्षेत्र में आपको गेंदबाजी नहीं करनी होगी। एक और अपने गेंद, दबाव चटेगा बल्लेबाज से और रन भी मिलेगा यहाँ स्काई स्टार बड़गाम की टीम को। एक रन और खाते में। डाउन द लेग साइड, कॉल दिस वाइड, इट्स 56 ऑन द बोर्ड, 86 बॉल्स, 133 नीडेड। An equation is getting simple, and no man in this zone of fine leg area. It's a vacant space. Here is the next one in the air, but it is safe. And can he stop the ball? He does well, and stops the ball, but can't prevent that second run. With that brace, it is 58 for the loss of no wicket. We are in over number 4. Credit goes to Nasir Kumar and Shabil Apti. Playing some wonderful shots around the center, all along the ground, and on either side of the track. Playing some wonderful shots. It's 58 without loss. We are in number 4. Last ball. And plays it back along the track. And he will keep the strike. We're done with over number 4. Foregone 59 without loss. 4 के बाद 59 रन बने हैं बगैर नुकसान के। नासिर कुमार, शबीर लेफ्टी ये प्रारंभिक जोड़ी इस समय स्काई स्टार बड़गाम के लिए बल्लेबाजी कर रही है। और इन परिस्थिति में अगर मंसूर बात करें इस मुकाबले की, हालांकि एक विकेट जीवनदान जरूर मिला था, वहां एक अवसर मिला था विकेट लपकने का, लेकिन वो अवसर हाथ से जाता हुआ सुल्तान वारियर्स के। और कितना महत्वपूर्ण और कितना ये भारी पड़ेगा जीवनदान, ये आने वाले समय में पता चलेगा। और उस चीज का फायदा लेने की भी कोशिश करेंगे नासिर कुमार, क्योंकि बार
बार तो मौके नहीं मिलते, बार बार यहाँ मौका मिलने वाला नहीं है, पर ये मौका ले उस चीज का खास ख्याल है यहाँ नासिर कुमार को। और तब से लेकर अभी तक लगातार कुछ अच्छे स्ट्रोक लगाकर उन्होंने प्रेशर बनाया, दबाव बनाया। एक विकेट की तलाश थी, तलाश करीबन करीबन वहां मुकम्मल हुई थी। नदीम डार ने विकेट हासिल किया था, मिडॉप पर एक आसान से कैच छूटा और वहां जीवन दाह मिला, और वहां ही जाकर इस बात का एहसास हुआ नासिर कुमार को, हमें यहाँ से आप जाकर इस जीवन दाह का फायदा लेना होगा। निश्चित तौर पर फिलहाल कुमार सामने हो गए और ऐसे में 4 ओवर के बाद 59 रन संख्या, 5 ओवर पावर प्ले और है। नदीम डार दूसरा ओवर अपने कोटे का लेकर के तैयार, सामने नासिर कुमार 59 बगैर नुकसान के। नेवर की शुरुआत, पहली गेंद कुमार ने जगह बनाई, एक खेला और गेंद को सीमा रेखा से बाहर उठा दिया, एक और जस्ट मोकर छक्का यहां नासिर कुमार के बल्ले से। तो अब देखिए अब होना ही था, ये अब हो जाएगा मैदान के अंदर, क्योंकि आपने खुद ब खुद जाकर उसे यहां बैटिंग करने का मौका दिया दूसरी मर्तबा, और उस चीज का लगातार यहां पे फायदा ले रहे विस्फोटक अंदाज में और बैटिंग कर रहे। ऊपर से नासिर कुमार को इस बात का एलिम है कि हमें शुरू में ही अब कुछ बेहतर करना होगा अपने टीम के लिए, अगर उन्हें यहां से इस लक्ष्य को हासिल करना। आप लगातार देख सकते हैं नासिर कुमार का बल्ला तो मैदान के अंदर माशाल्लाह काम तो कर रहा है, 17 गेंदों का सामना किया, 33 रन बनाए, 65 बगैर किसी विकेट के नुकसान पे, और पावर प्ले ऐसे में लागू है, 18 ओवर का खेल है। बड़ा मुकाबला इस वक्त कश्मीर कप 2024 का। नदीम डार हालांकि से पहले एक ओवर वो अच्छा ओवर गया, एक बार फिर अपने कोटे का दूसरा ओवर कर रहे, इस ओवर में दूसरी मरतबा लॉफ्ट कर दिया मिड ऑफ के ऊपर से और गेंद सीधे मिड ऑफ बाउंड्री लाइन से बाहर गई, एक और छक्का या मुनवर स्टाइलिश, व्हाट अ शॉट and ball of spec dry comes into play, driven handsomely, drives the ball on up and all the way, a bit long off, 6 more, 71, quality blow, wonderful shot, excellent shot. Here is the next one, this time goes down towards long on area, there is production, there is man stationed at long on, only a single accrued and that takes Nasir Kumar to 39. 40 of 19 balls, it's 72 with a loss in over number 5. और एक बेहतरीन मुकाबला इस वक्त जारी है, हालांकि हर किसी को मालूम है नासिर कुमार और उसके साथ शबीर लेफ्टी जो पारी की शुरुआत करने के लिए, जो शुरुआत की दो बल्लेबाजों ने बेहतरीन एक ठोस शुरुआत अभी तक दिया इसके स्टार बड़गाम की टीम को, 72 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पे, जहां पारी का ये 5वां ओवर जारी, 4.4 ओवर की गेंदबाजी, इस ओवर में अगली मरतबा गेंद करेंगे, बैकफुट पर आकर गेंद को हालांकि बैकवर्ड पॉइंट की जानिब खेला, वहां शबीर लेफ्टी ने रन बनाने का मौका नहीं मिला, डॉट गेंद का सामना करना पड़ा। डॉट गेंद के साथ कुल मिलाकर अगर गेंदबाजी की बात करें तो शुरुआती बल्लेबाज मैदान के अंदर बैटिंग कर रहे हैं और ऐसे में और दिस वन ही फ्लिक्स इट राउंड द कॉर्नर बट स्ट्रेट अ शॉट फाइन लेग, नो रन देयर, इट्स अ डॉट बॉल, 10 द ओवर नंबर 5, फाइव गॉन and it is 72 without loss, but Mansoor and Aziz, look at the scorecard, it is 72 without loss after 5 overs, you have 13 overs at your disposal and all the 10 wickets in kitty. And the only team which is concerned at the moment is Sultan vs Baramulla, as they are on the receiving end under the pump as the bowlers are taken to the cleaners, and also that catch gone down, this is going to hurt them, and you dropped a man like Nasir Kumar, you got to blame yourselves, no one else can be blamed, and as you feel to put down that stir, Dolly should have been taken, and Nasir Kumar is still unbeaten on 12 of he's on to 40 of 19 balls. What an innings. Enterprising now continues. And fresh over is about to start. It's 5 done, 72 without loss. लगातार बेहतरीन बल्लेबाजी समय चल रही है, नासिर कुमार और शबीर लेफ्टी बेहतर तरीके से समय बल्लेबाजी कर रहे हैं, और इन परिस्थिति में इम्तियाज लेफ्टी सामने वाले छोड़ से ये गेंद, और इस बार उसको उठा दिया, गेंद सीमा रेखा से बाहर निकलती हुई, एक और जस्ट मोकर छक्का, और लगातार आप जाकर एक के बाद एक छक्के, एक के बाद एक चौके लगातार मैदान के अंदर लग रहे, नासिर कुमार को मौका दिया और आप जाकर वो लगातार बारी पड़ रहे हैं गेंदबाजों के ऊपर। आप जाकर यहाँ कुल मिलाकर अगर पहली पारी की बात करेंगे या दूसरी पारी की बात करेंगे तो पहली पारी में यहाँ निराश किया था शुरू में सुल्तान के बल्लेबाज में, मंजूर पांडो ने एक अच्छी बल्लेबाजी की, एक अच्छा टारगेट सेट किया था, पर अब जाकर गेंदबाज यहां खराब गेंदबाजी कर रहे हैं, सामना करेंगे इस ओवर के अगले गेंद का, इस बार बढ़िया गेंद थी, हालांकि एक अच्छी वापसी टप्पा खाने के बाद ऑफ स्टंप के करीब से गेंद विकेट कीपर की ओर आई, डॉट गेंद का सामना करना पड़ा, कितना हुआ स्कोर जानने की कोशिश करेंगे यहां मुनव्वर से, 8 विदाउट लॉस, वी आर इन ओवर नंबर 6, लास्ट ओवर मैंडेटरी पावर प्ले, 13 ओवर गेम एंड 6 ओवर्स ऑफ मैंडेटरी पावर प्ले, रिस्ट्रिक्शंस आर ऑन एंड सुल्तान्स आर स्टिल कंसीडिंग एंड ब्लीडिंग एट द मोमेंट as Nasir Kumar is getting ready, 46 of 21, where is this one, oh that's a quality shot, and just eases up a bit and places the ball, but there is backward a point, Hamid is there, only a single accrued, 79 without loss after 5.3, over number 6 we are in, target is 189, but Sultan Warriors
are under the pump at the moment, but on the other side you got to give credit to the batters, the way they're batting at the moment. They're in complete control and sublime nick and touch at the moment. Here is Imtiaz Lefty to Shabir Lefty. It's Lefty against Lefty. Nasir wanted a single, but Shabir wasn't ready. Called as a wide, one more run added, 80 on the board. Just 109 runs away. They are still 12 overs and 3 balls at their disposal. Here is Lefty again to Shabir Lefty. This one is high up in the air. And has that gone all the way? No, it doesn't. Couple of bounces and down to the final leg fence for 4. Leading edge globe is off. And it goes past everyone down to the boundary for 4. That was brought to you by Jess Bukhara. And it's 84 without loss in over number 6. जब आपका दिन होता है तो मनमानी चलती है बैट्समैन की. आप देख सकते हो टॉप एज लगा था और उसके बाद भी गेंद सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर गई. एक और चौका लगा, लगातार यहां चौके लग रहे हैं. स्टेटमेंट मंसूर, यू आर एब्सोल्युटली राइट. व्हेन इट्स योर डे एंड एवरीथिंग इज फॉलिंग इन योर वे किटी. नेक्स्ट वन वाइड ऑफ द ऑफ शुड बी वाइड अगेन. इट इज वाइड इट अगेन. वन मोर रन एडेड. 85 विदाउट लॉस. जहां 5.5 कुल मिलाकर 5 ओवर की गेंदबाजी अभी तक मुकम्मल, 4 ओवर की गेंदबाजी मुकम्मल हुई है. 85 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे, एक बेहतरीन साझेदारी. से बेहतर क्या मिलेगी यहां साझेदारी, खासकर पहले विकेट पे और सिक्स स्टार्स बड़गाम की टीम को, क्योंकि इसके बाद भी काफी सारे और तजुर्बाकार अच्छे बैट्समैन बड़े खा नाम है और उस टीम में उनका अभी आना बाकी. एक विकेट की तलाश, अभी तक वो विकेट नहीं मिला. इम्तियाज लेफ्टी हालांकि आज खर्चीले साबित हुए गेंदबाज इस ओवर में. अगली मरतबा इस बार भी बड़ा स्ट्रोक लिया, पीछे खिलाड़ी है, यहां से विकेट मिल सकता है. जी हाँ, मनोवर विकेट मिला और यहां लेफ्टी का विकेट मिला. Needed blow for Sultan Warriors, and you call it jaan mein jaan aa gayi. It's like that, and now they're breathing again, and he's taken it long on. First blood is drawn, and partnership is broken, and it's Imtiaz Lefty. Skipper breaks the partnership, and what a stand showed by opening pair. It's 85 for one after 5.5 balls. Would have been two down, but Nasir Kumar was put down earlier on. And it's his partner, Shabir Lefty, on his way back to pavilion. And look at standing ovation and round of applause. He soaks in that round of applause. And he's on his way back to pavilion. That brings Asif Ramzan to bat. Walks in at number 3. Foundation is laid for the big chase. They're chasing 189. They are 104 runs behind. Now, they are in commanding position at the moment. Talking of Sky Stubbard Gum. Could a brilliant start. And what a start. It's a kind of a dream start to me. One great start. Incredible. Masterpiece. And look at the punch delivered by the top order. And the two openers were in mood of they were in mood today. And they took on the bowlers. And for a while it looked like that they want to run away with the scorecard, but finally some respite for bowlers. First blood, first wicket, and it's in the form of Shabir Lefty, who's on his way back to pavilion, and that brings Asif Ramzan to bat. And Asif on strike. Here is skipper one last time in the server. He's in his second over, 1 for 33, and Asif plays it back along the track, copybook, and straight down towards long on. There is production, will just be one, and he's off the mark. Still 6 down, power play down, 86 for one. 86 एक विकेट के नुकसान पर. हालांकि पावर प्ले समाप्त हो चुका है, अच्छी शुरुआत, लेकिन नासिर कुमार का विकेट जरूर मिला. और इन परिस्थिति में सुल्तान की टीम चाहेगी कि यहां से दबाव बनाया जाए, एक और विकेट प्राप्त किया जाए, और जितना जल्दी हो सके उतना एक और विकेट प्राप्त करना होगा. दूसरी ओर एक साझेदारी की आवश्यकता वहां दोनों बल्लेबाजों को, और इन परिस्थिति में अगर एक बेहतरीन साझेदारी यहां से निभे तो निश्चित तौर पर दबाव दोबारा लौट सकता है. लेकिन यहां गेंदबाज हर संभव प्रयास करेंगे इस मुकाबले में एक और विकेट प्राप्त करने का. सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि 4-5 गेंदबाज, 3-4-5 गेंदबाजों का लगातार तो इस्तेमाल करना ही है टीम के कप्तान को. 2-3 दिन किन गेंदबाजों का इस्तेमाल किया कप्तान खुद जाकर गेंदबाजी करने के लिए. आज हालांकि विकेट उन्होंने हासिल किया पर खर्चीले साबित हुए हैं. नदीम डार ने हालांकि गेंदबाजी करने के लिए, वो भी खर्चीले साबित हो रहे. जितने भी गेंदबाजों का उन्होंने इस्तेमाल किया, पर यहां से आप जाकर कप्तान के जहन में ये सवाल भी है, क्या तेज गेंदबाज का इस्तेमाल किया जाएगा, क्या स्पिनर का इस्तेमाल किया, क्योंकि यहां स्पिनर्स के ऊपर भी अटैक कर रहे हैं नासिर कुमार और तेज गेंदबाज के ऊपर भी अटैक कर रहे हैं. और ऐसे में नए गेंदबाज को आप जाकर लाया गया गेंदबाजी करने के लिए.
वाली गेंदबाजी में परिवर्तन, पहली मरतबा वहां गेंदबाज सलीम मीर गेंदबाजी करने के लिए। कुल मिलाकर 86 एक विकेट के नुकसान पे 6 ओवर मुकम्मल, जहां 14.3 और 3-3 के औसत से टीम रन बना रहे और 8.33 के औसत हालांकि शायद दरकार है और 72 गेंद 103 रनों की अभी भी जरूरत है यहाँ सिकर स्टार बड़गाम की टीम को। लेकिन इसके बाद आदिल कातरू का आना बाकी है, बाकी सारे बल्लेबाज उस टीम लाइनअप में और उनका आना बाकी। एक अच्छी यहाँ ठोस शुरुआत मिली है और उस चीज का फायदा यहाँ लेने की कोशिश करेंगे। सुल्तान को यहाँ जल्द से जल्द एक विकेट और हासिल करना होगा इस बार मिडल और ऑफ स्टंप पर, लेकिन अपने पंजू बल उछलते हुए इस गेंद के आने का इंतजार किया। कवर की जानिब खेला, जैसी गेंद बैट पर लगी एक रन पूरा किया दोनों बैट्समैनों ने। 11 रन एडेड, 87 फॉर द लास्ट वन। सुल्तान वॉरियर्स इन अ स्पॉट अबव द, well it's 87 at the moment, but talking of a sky star, oh look at that, look at that, overthrows and this isn't good at all. Now the pressure is mounting, climbing on Sultan Warriors, and it's because of that terrific start, the opening stand and the duo, the combo worked nicely up front, and they batted like champions, and it is 87 for the loss of one. We are in number 7. ये एक सबसे बड़ा बोनस रहता है जब शुरुआत अच्छी रहती है, खासकर शुरुआती बल्लेबाज एक अच्छी ठोस शुरुआत देते हैं या एक अच्छी साझेदारी निभाते हैं तो आने वाले बल्लेबाजों के जहन में कोई दबाव नहीं रहता है, कोई प्रेशर नहीं रहता है। हालांकि आने वाले बल्लेबाज जो मैदान के अंदर अब जाकर यहाँ नासिर का साथ देने के लिए, आसिफ रमजान आए, मुझे नहीं लग रहा कि कोई दबाव रहेगा, कोई प्रेशर रहेगा, उतना बड़ा लक्ष्य तो नहीं मिला जिस हिसाब से उनने बैटिंग की। अब ऐसा लग रहा है कि कोई बड़ा लक्ष्य तो नहीं है सिकर स्टार्स बड़गाम के लिए। नासिर कुमार जब तक मैदान के अंदर है तो 47 रन 22 गेंदों का सामना है कि विस्फोटक अंदाज में बैटिंग की। कुल मिलाकर पारी का 7 ओवर, सलीम मीर 1 गेंद और 1 रन खर्च करके हालांकि अपने कोटे को पहला ओवर कर रहे हैं। Well, it is 87 for the loss. Oh, look at that turn. What a delivery. Sonata. Oh, cranking up. And he scared him up with that one. A perfect delivery. Superb delivery. An excellent ball to beat a batter like Nasir Kumar. He beats him on that occasion comprehensively. It's 87 for the last one. Here is the next one. Nasir. Oh, it's a no ball. Chance of a run out on the other side. But he's back to the safety of crease. One more run added and Freed is coming up. He overstepped. Salimi lost control. And he need to work on it. Couldn't control his front foot landing area. And it is way over the line. And so it's a no ball. Freed coming up. Nasir on strike. Here is Salimir. Oh, look at that one. It's a huge six. It's out of here. And that six brought to you by Just Bukhara. And it's 50 for Nasir Kumar of just 25 balls. Incredible knock. Wonderful one. और विस्फोटक अंदाज से नासिर कुमार इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं, ये देखते हुए कि उनकी पारी काफी महत्वपूर्ण और बल्ला का हवा में लहराया, अभिवादन स्वीकार किया, अर्धशतक पूरा किया स्काई स्टार बड़गाम के इस बल्लेबाज ने। क्या बेहतरीन बल्लेबाजी। और सलीम मीर इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं, जोर जोलो उनके पास आए, कुछ बातचीत की, अच्छी खासी मात्रा में यहाँ दर्शकों उपलब्ध। टीआरसी डल गेट से लाइव प्रसारण जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से आप तक पहुंच रहा है। 189 चाहिए जीत के लिए। अगली गेंद सलीम की कुमार के लिए, इस बार लेग स्टंप से बाहर, हालांकि ये वाइड होगी। जी हाँ, एक और अतिरिक्त रन खाते में जुड़ेगा। एक रन के साथ रन संख्या अब धीरे धीरे से बढ़ती हुई 95 एक विकेट के नुकसान पर। मात्र एक सफलता हाथ लगी है सुल्तान वॉरियर्स बारामूला की टीम को शबीर लेफ्टी के रूप में। नाइफाई ऑन द बोर्ड एंड सलीम इज अनएबल टू पुट ब्रेक्स ऑन, इज अनएबल टू कीप बैट अंडर चेक एंड जस्ट दैट सॉलिटरी डिलीवरी नेक्स्ट मैन कीप्स इट अवे ऑन ऑफसाइड स्कैम्पर थ्रू क्विकली। But I think Nasir is limping on the field. You can see that Nasir is having some issues with his right foot there. And limpingly to the other side. One more run added. 96 for the loss of one. Chasing 189. Now they're quite below 100, is it? Tosif Ramzan, aapke paas ek vikalp hai gendbazi mein. Aap unka istemal kar sakte hain. Yes, they're quite just 93 now in double figures. Aur 93 ranon ki avashyakta abhi bhi jeet ke liye. Aur Manzoor Dar aapke paas vikalp mein hai. Lekin Tosif Ramzan jo aapke pramukh spin gendbaz hai, unka abhi tak istemal nahi kiya gaya. Isi beech ek run aur khate mein jod liya dono ballebazon ne. Ek run ke saath hi ab ja karke run sankhya aage badhti hui 97 एक विकेट के नुकसान पर। कुल मिलाकर यह पारी का 7वां ओवर और एक गेंद का समाप्ति आना बाकी है। 97 एक विकेट के नुकसान पर सलीम मीर गेंदबाजी कर रहे हैं एंड इट इज सलीम मीर वाज ऑपरेटिंग फ्रॉम दैट फार एंड ऑन स्ट्राइक इज नासिर कुमार अगेन 54 ऑफ 26 बॉल्स। व्हाट एन इनिंग्स, व्हाट अ बैटर ही इज। हियर इज द नेक्स्ट वन, लास्ट बॉल एंड कीप्स इट डाउन टुवर्ड्स लॉन्ग ऑन एरिया।
of the cue and of the bottom hand of the bottom end of the bat to be precise. Lower part of the bat and down towards long on, a single to end the over number 7 gone. 98 for the loss of one, and they are still 91 away from winning this one, and they are 11 overs at their disposal. But look at the foundation. To me, it's sky stars game to lose from here on. देखिए वो जो विस्फोटक शुरुआत नासिर कुमार ने दी है एक बार फिर इस मुकाबले में, उसके दम पर इस समय एक बेहतर स्थिति में पहुंच चुके हैं स्काई स्टार बरगाम। और आने वाले बल्लेबाजों की बात करें, आपके पास आदिल का चुकाना बाकी है, यासीन भट्ट आपके पास है, सजाद सुल्तान आपके पास है, आपके पास एक से बढ़कर एक बल्लेबाज, तो निश्चित तौर पर बल्लेबाजी में डेप्थ है। लेकिन यहाँ आपको विकेट चटकने होंगे, जितना जल्दी आप यहाँ साझेदारी को तोड़ने में सफलता प्राप्त करेंगे उतना बेहतर कहा जा सकता है सुल्तान के हित में। फिलहाल 7/98 चाहिए जीत के लिए 66 गेंदों का बाकी। साहब दर्शकों बात करेंगे तो आप जरा गौर से देखें कि सारे दर्शक जो बाहर इस वक्त गाड़ियों की चहल पहल है और अपने अपने सफर की ओर जा रही है, मुझे लग रहा है काफी सारे लोग मैदान के बाहर से भी नासिर कुमार की बैटिंग देख रहे हैं। निश्चित तौर पर इसमें कोई दो राय नहीं, दर्शकों का बेहतरीन मनोरंजन किया है एक विस्फोटक बल्लेबाज। और ऐसे में जब आप एक अवसर देते हैं बल्लेबाज को, एक जीवन दान देते हैं, तो निश्चित तौर पर कहते हैं कि जब इस तरह के बैट्समैन मैदान के अंदर होते हैं तो आसमान के परिंदे भी अपना परवाज करना भूलते हैं और इस तरह के मैचेस देखते हैं। ओ यहां से हवा में देखने का कैच किया जाएगा, जी हां, नासिर कुमार का विकेट मिला। ने कहा था कुछ और ही और घटा कुछ और ही। निश्चित तौर पर यही क्रिकेट की खूबसूरती है। नासिर कुमार आउट होकर मैदान से बाहर जा रहे हैं। चर्चा हो रही थी, बात हो रही थी कि यहां सचिदारी को जल्द से जल्द तोड़ना होगा। नासिर कुमार का विकेट मिला, ये दूसरा विकेट यहां प्राप्त कर लिया है और इन परिस्थितियों में दूसरा विकेट गवा दिया है 98 पे स्काई स्टार बरगाम ने 8 ओवर में। And it is 7 done. It is over number 8. First ball and wicket coming. And Nasir Kumar goes back to pavilion. Both the set batters are now back to pavilion. And look at round of applause, he soaks in that and he's on his way. Score off century, that was fearless and it was wonderful, tenacious. And talking of the tenacity, the way he batted today, it was an incredible knock. It was fearless and it was breathtaking knock by Nasir Kumar. But in the end, he's a soft dismissal. Caught at cover and it was Zuzolo the man that brings Adil Kachru to bat. And he is known as Shani Shupian, walks in at number 4. But now I think half the job is done, half needs to be done. You're in with a chance, but cricket is the game of... Yeah, I agree with your statement. This is the game of glorious uncertainty. खुशी को गम में तब्दील होने में ज़्यादा समय नहीं लगता है क्रिकेट की दुनिया में, क्योंकि ये हंसाती भी है, ये रुलाती भी है। और खुशी हर किसी के चेहरे पे इसलिए थी कि नासिर कुमार मैदान के अंदर लगातार विस्फोट कर रहे थे। जैसे ही विकेट मिला तो ऐसा लग रहा है कि अब मजबूत दिखाई दे रही है सुल्तान की वो जो टीम, एक जगह पर जुट होकर अब वो एक नई रणनीति के साथ वो गेंदबाजी करने की कोशिश कर रहे हैं। पर एक और नए बैट्समैन, एक और बड़ा सवाल मैदान की ओर बैटिंग करने के लिए आदिल कचरू। आदिल कचरू अब नए बल्लेबाज, सिमचास डेफ्टी गेंदबाजी करेंगे 98 रन संख्या 2 विकेट के नुकसान पर। 189 चाहिए जीत के लिए सुल्तान वारियर्स बारामुल्ला के विरुद्ध स्काई स्टार बड़गाम की टीम को। और ऐसे में नासिर कुमार और शबीर लेफ्टी, जिन्होंने पारी प्रारंभ की थी, दोनों बल्लेबाज आउट होकर मैदान से बाहर चले गए। आसिफ रमजान और उनके साथ आदिल कचरू अब नए बल्लेबाज आए हैं। इम्तियाज लेफ्टी गेंदबाजी कर रहे हैं, 8वां ओवर वर्तमान स्थिति में चल रहा है। और ऐसे में 98 विकेट के नुकसान पर 7.1 ओवर की गेंदबाजी, ये गेंद अच्छी गेंद थी आदिल कचरू के लिए। हालांकि एक रन पूरा कर रहे हैं वहां पर दोनों बल्लेबाज, एक रन और खाते में 99 8वें ओवर में रन संख्या 189 के जवाब में स्काई स्टार बड़गाम 2 विकेट के नुकसान पे। इनके पास मंजूर डार, हालांकि मंजूर पांडो भी है, क्या उनका इस्तेमाल किया जाएगा? क्योंकि सबसे बड़ी बात यह कि शुरू में जब सुल्तान ने यहां मैदान के अंदर, हालांकि यहां सिक्स स्टार जब गेंदबाजी कर रही थी और उसमें और तेज गेंदबाजों ने उतना बेहतर काम नहीं किया जितना स्पिनर्स ने अच्छा काम किया था। और ऐसे लग रहा है कि यहां तेज गेंदबाजों का लगातार इस्तेमाल करें, स्पिनर्स का कम इस्तेमाल किया। नदीम डार शायद एक बार उन्होंने गेंदबाज कुछ ओवर्स मुकम्मल किए और मंजूर डार का आना बाकी है, कुछ और गेंदबाज भी है और कोशिश रहेगी ज्यादा से ज्यादा गेंदबाजों का इस्तेमाल किया जाए और लगातार विकेट हासिल किया जाए। निश्चित तौर पर देखना होगा क्या यहाँ स्पिन गेंदबाजी का आक्रमण किया जाएगा। यह 8वां ओवर पारे का चल रहा है और ऐसे में 98 रन संख्या 99 2 विकेट के नुकसान पर अच्छी गेंद थी। इम्तियाज लेफ्टी के झड़ में फेंकी हुई गेंद, उसको निकाला जरूर ऑन साइड में, हालांकि मिड ऑन से खिलाड़ी आई, गेंद को फील्ड कर लिया। एक रन और 100 पूरे हुए यहां 8वें ओवर में स्काई स्टार बड़गाम के। 89 चाहिए जीत के लिए और अभी भी इस ओवर के बाद करीब 10 ओवर का आना बाकी।
एक लंबा सफर तय करना अभी बाकी है, क्योंकि सफर दूर है, जाना जरूर है, तो कोशिश रहेगी यहाँ पे आदिल कादर की। पर दूसरी तरफ से अगर देखा जाए, एक दो विकेट अगर जल्द यहाँ पे हासिल करने में टीम कामयाब होती है, एक मजेदार मैच यहाँ दर्शकों को देखने का मौका मिलेगा। अगली गेंद को खेल करके वहां हल्का सा फंबल, काफी आगे निकले थे, वहां रन आउट का अवसर बना था, लेकिन इन परिस्थितियों में वापस लौटे आदिल काचरो। रिस्पेकर के अतिरिक्त जोखिम से बच रहे होगा, 100 रन दो विकेट के नुकसान पर स्काई स्टार बरगाम की टीम को 189 बना रहे हैं सुल्तान वारिस बारामूला के विरुद्ध। कश्मीर कप सीजन 2024 13वां मुकाबला, और इस मुकाबले के तुरंत दूसरा मुकाबला डडू रेंजर्स कश्मीर और रॉयल गुडविल का मुकाबला होगा। और इन परिस्थितियों में जहां एक तरफ आसिफ मंजूर की सेना और दूसरी तरफ इश्तियाक रसूल की सेना होगी, बड़ा दिलचस्प मुकाबला। इसी बीच एक रन और खाते में बटोर लिया आदिल काचरो आसिफ रमजान ने, 101। यहां ओवर समाप्त, 8 पूरे 101, और अब जाकर के 88 रनों की आवश्यकता, 60 गेंदों का बाकी। इट वाज गॉन 101 फॉर द लॉस ऑफ टू विकेट्स। दे आर 88 रन्स अवे from 60 balls. There are 8 wickets in KT. Equation is 88 of 60. And Asif Ramzan on to 4 and his partner Adil Kachru is on to 2. Chance of a run out gone begging there, and it was Adil Kachru, the man who was halfway stage, was in all sorts of trouble, but Zerlo unable to release the ball in time, and then ball hitting the Kachru on way to wicket keeper. It's 101 for 2 now, 88 away, 60 balls remaining, 10 overs are gonna come, and they're 88 away with 8 wickets in kitty. It's down to Asif Ramzan and Adil Kachru. This pair is important, need a partnership on the other side. Sultans need wickets in pockets, in bundles, in a bit of a cluster here. As we watch once again, it's going to be Tawseef Ramzan to bowl. Tawseef Leggy is gonna bowl. There is a slip in for Adil Kachru for the first time in this match. Here is Tawseef Leggy. Oh, beautifully bowled, the very first ball we have seen him bowling in the tournament. In both the games, I said the very first one was on money, on target, but rest of the deliveries, it's rest is history. Let's find it out. Is it going to be a mystery this time round? It's 101 for 2. Here is Tawseef. This one gone flat and beats the man to perfection. That was brought to you by Just Bukhara. Underarm pull comes into play and earn him a boundary. And his team, it's 105 for 2. 105 दो विकेट के नुकसान पर, 9वां ओवर, आदिल काचरो है सामने और तौसीफ लेगी गेंदबाजी कर रहे हैं। तौसीफ रमजान जो के सामने वाले छोर से इस समय अपना पहला ओवर प्रारंभ कर चुके हैं सुल्तान वारियर्स बारामूला के लिए। अगली गेंद लेकर के, और इस बार आदिल काचरो गेंद की पिच तक पहुंचे, खेला जरूर, हालांकि एक लंबी दौड़ मुजीबुल हक को लगानी पड़ी, पलट कर तेजी के साथ दूसरे रन के लिए आ रहे हैं। जब तक वसीम काचरो के पास पहुंचता, 2 रन और खाते में जुड़े, अच्छी दौड़, 2 रन और, 107 दो विकेट के नुकसान पे। पॉजिटिव साइन back for the second, good running between the wickets here, and they know that very well. They're right on top at the moment, they need to keep that momentum going, and it's 107 on the board, 82 away. This time drives it open at the bat face, straight down to where it's long off, a single is on, 108 for the loss of 2, and these two batters are playing a trona ball at the moment in style, and playing it straight down towards long up. There is production, only a single accrued, 108, 81 away, 56 balls remaining. This is over number 9. Here is Leggy again in search of a breakthrough. This one beneath the bat into the safe hands again. It's another dot ball here. Each and every dot ball is important for Sultan Warriors, and these dot balls will help as a tonic. दबाव उतना बढ़ेगा जितना आप डॉट पे बल्लेबाजों को खिलाएंगे। इस बार फिर अंदर आती हुई गेंद, हालांकि अंदरूनी सिरा लगा जरूर, फाइनल की ओर जा रही है, मंजूर पांडो उस ओर आ रहे हैं। जब तक वे गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते, 2 रन पूरे कर लिए, तीसरे रन के लिए पलटे जरूर थे, लेकिन 2 ही रन मिलेगा यहाँ, और 2 रनों के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई अब जाकर के ओवर 110, 9 ओवर समझते पूरे होते हुए, 9 ओवर में 110, और अब जाकर के 9 ओवर का खेल, 54 गेंदे, और जीत के लिए अभी भी 79 needed, and current rate is still 12, more than 12 and over, and this is what we call the positive start, and their intentions are clear. They're going off to the chase here. They're in pursuit of 189 at the moment. They're 110 for 2 after 9 overs, halfway mark of his stage. It's an 18 over game, short pause in the game here. Sultan's in a hurdle, conversation is going on, captain looking concerned at the moment, and why not? And it is Sky Star running away with the scorecard at the moment. They are in ascendancy, right on top of the chase at the moment. And if we talk of the Sultans,
And again, Sky Star is dictating terms here with the bat. With the ball first, we saw earlier on in the day. But now, this afternoon, it's batters. It was Nasir Kumar who started all guns blazing. And now others are just trying to stick to basics and just trying to follow the path. And it has been, follow me. It's like that. I will show you the way, where to go. And it's like way to go, 189. Isn't that far now? As they're 110, they're 79 away, 54 balls remaining. मजबूत आदर्शिला मिली यहाँ नासिर कुमार और शबीर लेफ्टी दोनों, हालांकि शबीर लेफ्टी जल्दी जल्दी आउट होकर मैदान से बाहर चले गए। नासिर कुमार ने अर्धशतक के पारी खेली, दूसरे विकेट के रूप में मैदान से बाहर चले गए। आसिफ रमजान और आदिल कसरू दो दिग्गज खिलाड़ी हैं, और ऐसे में आने वाले बल्लेबाज मध्य क्रम की बात करें तो अच्छी खासी बल्लेबाजी अभी भी शेष है स्काई स्टार पर काम के लिए। लेकिन यहाँ सुल्तान की टीम को विकेट चटकने होंगे, रन गंदी पे अंकुश लगाना होगा, साझेदारियां जो बीच मैदान में निभाई जाएंगी उन पर रोक लगानी होगी, तब जाकर के कुछ अंतर पैदा कर सकते हैं, कुछ दबाव बढ़ा सकते हैं, कुछ जो है परिणाम इस मुकाबले का मिल सकता है। फिलहाल इस मुकाबले की बात करें तो 9 ओवर पूरे हो चुके हैं, 9 ओवर में 110 रन बने हैं, और ऐसे में अभी भी 78 अथवा 79 रनों की आवश्यकता, 60 गेंदों का आना बाकी, 79 चाहिए, 60 गेंदें शेष है, 8 विकेट सुरक्षित, और 54 गेंदों का आना बाकी, क्योंकि 9 ओवर का खेल हो चुका है, 18 ओवर की यह पारी है, तो ऐसे में 9 ओवर यानी कि 54 गेंदों से अभी भी 79 रनों की आवश्यकता, हालांकि विकेट आपके पास सुरक्षित है, तो ऐसे में प्लस पॉइंट कहा जा सकता है यहां इसका स्टार बड़गाम के लिए। Well, 110 for the loss of two. Thank you, Mansoor, for your presence in the Comebox today. We'd like to thank our proud sponsors, Anthem Support, India Fashion Feast, the Shining Star, Papur, MHM, Multi-Brand, Bira Pivani, H&J Complete Kits, where Natipura, Srinagar, and just Bukhara. And what a place to be. And if anyone want to be there, and it's in Magam, whenever you are heading towards Gulmarg, it's on the left shoulder. And you're heading back home from Gulmarg, it's on the right shoulder in Magam. JK Sports Time bringing you the ball with ball commentary of match number 13, inning number 2, match number 14. Everything is readiness, all set for that game. Players are here, Jangi Lon is here, Akib Mir is here around the park. And other lads, Isamir Sophie from Dedu Rangers also here. The second match isn't that far. This one is underway, 79 away, 54 balls are going to come, 9 overs remaining. And with 8 wickets in hand, slightly edge over, Sultan is at the moment talking of Sky Star, as they're in complete control, having 18 kitty, 79 to get, and I believe it's their game to lose, having 8 batters in kitty. And you were talking about the depth, here is the skipper again. Oh, gorgeous one, Deswell batter equally to the task, Zurzolo there, but that was a So that was some shot from Adil Kachur, the way he middled that one. And off the carpet, and it goes straight to extra cover. And Philip as well, here is the next one, shaping for that drive. And lures him into the big shot, and he gets away with that one. It's another dot ball here, 110 for 2 in over number 10. 110 दो विकेट के नुकसान पर 10वां ओवर, इम्तियाज लेफ्टी गेंदबाजी कर रहे हैं, अच्छी गेंदबाजी आदिल कसरू सामने है, विकेट कीपर वसीम कसरू बिल्कुल स्टंप से सटे हुए, अगली गेंद बाएं हाथ के गेंदबाज आ रहा, इस बार सिर्फ दिशा दे दी, पीछे मंजूर डार है, उन्होंने गेंद को फील्ड तो कर लिया, थ्रो किया, लेकिन एक रन जरूर मिलेगा, 111 रन संख्या ये ओवर अभी तक बढ़ाया गया है, मात्र एक रन अभी तक इम्तियाज लेफ्टी ने खर्चा है, एक सदीक और साधारण लाइन और लेंथ के साथ यहाँ अंकुश लगाना होगा, रन गति पे दबाव बढ़ाना होगा बल्लेबाजों पर, और दूसरी ओर बल्लेबाजी की साझेदारी का प्रयास करेंगे, क्योंकि आसिफ रमजान और आदिल काचरो दो मान्यता प्राप्त, दो दिग्गज, दो अनुभवी खिलाड़ी बीच मैदान में, 111 दो विकेट के नुकसान पर, अगली गेंद लेफ्टी की, और इस बार आसिफ रमजान बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, ऑफ स्टंप पर हल्का सा उछाल, वसीम काचरो के पास बगैर किसी रन के, थ्रू द लाइन एंड मिसेस दैट वन विद अ स्ट्रेट बैट, ही वांटेड टू पंच इट अवे एंड इज बीटन इन द प्रोसेस, इट्स अ डॉट बॉल, नेल्सन ऑन द बोर्ड फॉर द लॉस ऑफ टू, हियर इज अ स्किपर अगेन, दिस वन नाउ पंच्ड बट देयर इज मुजीबुल हक ऑन द बाउंड्री लाइन, स्टॉप्स द बॉल but can't prevent that single, 112 on the board, 77 away, over number 10, it's going to be last ball of 10th, all is well that end as well, where is going to sign it off, where is going to finish this over, Nasir Bhai is here, it's going to be ball number 6 of over number 10 coming up, on strike, Adil Kachru, 10 of 10 run a ball, Asif Ramzan 7 of 9 balls, plays it back to the bowler, no run there, 10 done, good over this, economic one from skipper, and Nazir up front
लीकड रन्स नाउ इज ट्राइंग टू बाउंस बैक इन स्टाइल। देखिए शुरुआत उनकी खराब रही थी गेंदबाजी में, 24 रन पहले ओवर से उनके विरुद्ध शबीर लेफ्टी ने बटोरे थे और उसके बाद जब दूसरे स्पेल में गेंदबाजी के लिए आए फिनिशर स्कोर टॉप 4 वाज 2 फॉर 39 इन द एंड और शानदार गेंदबाजी और लीकड रन्स अप फ्रंट। 3 ओवर में उन्होंने 15 रन खर्चे, ये कमाल की गेंदबाजी। दूसरे स्पेल में आए, वापसी की बहुत बढ़िया और एक विकेट भी उन्होंने चटकाया नासिर कुमार का, तो ऐसे में बहुत ही शानदार और बेहतरीन गेंदबाजी का अभी तक प्रदर्शन किया है। और इस बार तो सिर्फ रमजान की ये गेंद विकेट के पास से चूक भी, गेंद जा रही है सीमा रेखा की ओर, उस ओर खिलाड़ी आ रहे हैं, क्या रोक पाएंगे? जी हां, उन्होंने गेंद को बिल्कुल सीमा रेखा के अंदर रोक लिया, लेकिन पलटकर यहां कुछ रन जरूर बटोरे दोनों बल्लेबाजों ने। Well, we'll have to wait and watch. White signal, 3 more runs added and that pressure is simply gone again. Discipline from skipper captain ball tight ever, but Tawseef Ramzan begins the pressure and why did it straight away? 3 runs added, 116 after 10 and it was a wide delivery. An extra ball is coming up, a slip is in place. Here is the next one, cut away nicely, but there is fielder, there is a man at sweeper of cover boundary. Send us in a return, a flat one, but can't prevent that single. Each and every run is important. 117, they are 62 away, no 72 away from 47 ball. Star of Tangmerg is here. It's Asim Bashir for you. It's 117 on the board. Here is the next one. Oh, nicely played. Skipper does well to stop the ball. And awkward bounce there on the upfield. But somehow he managed to keep it down there. Like that, stabbed it to the ground. No harm done, nothing there. It's 117 for 2. 117 दो विकेट के नुकसान पर तौसीफ रमजान गेंदबाजी कर रहे हैं। आसिफ रमजान सामने है, बाएं हाथ के बल्लेबाज, ये गेंद इधर ऑफ स्टंप से बाहर, इसको उठा करके लॉन्ग ऑन के ऊपर जस्ट मुखर छक्का तौसीफ रमजान के बल्ले से। ह्यूज सिक्स ऑफ लॉन्ग ऑन ऑन टू द रोड साइड एंड आसिफ रमजान क्रोच स्लो कनेक्ट इट बेल्ट इट रन सिक्स ऑफ देम एंड दैट वन गॉन ओवर लॉन्ग ऑन। इट्स अ बिगी and this is going to hurt Tawseef Ramzan and company. It's 123 189 and at halfway mark we were talking about that Sultan's got something to bowl had, but now they're taken on to the cleaners here and balls are leaking, runs bleeding at the moment. लगातार उनके विरुद्ध प्रहार किए जा रहे हैं, इस बार फिर बढ़िया स्ट्रोक, खूबसूरत लाजवाब और गेंद सीमा रेखा से बाहर निकलते हुए चार रनों के लिए। goodness gracious glorious typical Asif Ramzan for you, the man from Saffron town of Valley. And this is the Saffron boy from Pampur town. And look at that sublime and gorgeous touch. And Nadeem Dar can only watch the ball. And ball talking to, conveying a message. Pass it on a camera. Over. Oh, very late on. Let me find the fence. Next one. Gone flat. And in the gap too. Another four here. Big over this. And Tawseef Ramzan is on the receiving end. Another four. Just Mukora. 427. He's taken on. It's partnership 33 of 22 balls. And all of a sudden, big over this. And Tawseef Ramzan want to walk away. But umpire says, you're one ball remaining, so don't go anywhere. Come back, hold the ball and send it. And he's going to send in this one here. He's taken on 131 for the loss of two. अभी भी एक गेंद का ना बाकी, हालांकि कुछ प्रभाव नहीं छोड़ पाए वहां तो आसिफ रमजान, उनके बाद लगातार आसिफ रमजान कुछ प्रहार कर रहे हैं। इस बार अच्छी गेंद थी और सबसे बाहर निकलती हुई टप्पा खाने के बाद एक कौन बनाया विकेट कीपर के दस्ताने में, अब जाकर के ओवर समाप्त हुआ। अरे इन परिस्थितियों में स्काई स्टार बडगाम 131 दो विकेट के नुकसान पर 11 पूरे, 7 ओवर का खेल, 42 गेंदें बची हैं और अभी भी जीत के लिए कुल मिलाकर कहना चाहिए 58 रनों की आवश्यकता है। यहाँ से 58 रन चाहिए और 42 गेंदें शेष बची। On, but that big over just shifted the momentum other way again. You need a few tight overs here, and you need to drive boundaries, keep it down to singles. But nothing is happening for Sultans here with the bat. It was Manzoor Pandu who saved Sultan Warriors, who set the tone for that big target here, and he batted like a champion in a Pandu style today, and he scored 81, and that was a blistering knock. And it was a kind of a Pandu typhoon today, a kind of a tsunami we witnessed earlier on. But now, when it comes to the chase, it was Nasir Kumar and Shabir Lefty, some of the brilliant shots we witnessed in inning number 2 in the opening phase, and they were right on top, and all by copybook stylish proper cricketing strokes. And it was a mix-up, it was amalgamation of two different characters, one who loved to go after bowlers, the other one who loved to display that stroke play. It's 131.
driven handsomely. Could be tight, but he gets away with that one. Needed a direct hit, and it was Asif Ramzan, a man running down towards the danger end. He was a man in question, but he survives. Nothing is happening for Sultans. Nothing is falling in the way today, and this is going to be a big match for both teams. If Sky win this one, it's going to be win-win situation. It's going to be win-win for Sky Star. देखिए यहाँ से दबाव बनाना होगा, यहाँ से अच्छी गेंदबाजी, लेकिन अभी तक कोई लाभ नहीं मिला है सुल्तान के गेंदबाजों को। इस बार अच्छी गेंद थी, खूबसूरत गेंद सीधे स्टंप्स की ओर आई थी, वापस खेला मिडिल ऑफ द बैट से आदिल का छोड़े बगैर किसी रन के। अच्छी स्थिति में इस समय कही जा सकती है स्काई स्टार पर काम की टीम, चुके 189 का पीछा करते अब तक उन्होंने 131 रन बना लिया है दो विकेट के नुकसान पर। यह बारवां ओवर पारी का चल रहा है, सलीम गेंदबाजी करे ऑप्शन से बाहर, अरे इस बार स्ट्रोक खेला, वापस बॉलर की दिशा में फील्ड कर लिया गया, रन मिला नहीं। स्कोर अभी भी 132। टीआरसी डेलगेट से लाइव प्रसारण आप तक पहुंच रहा है कश्मीर कप एडिशन 2024 13वां मुकाबला अजीके स्पोर्ट्स एम के प्रायोजक। करंट रेट इज स्टिल बेटर एंड टॉकिंग ऑफ दैट आस्किंग रेट, इट इज इन अ कंसर्न एट द मोमेंट एज वी वॉच द नेक्स्ट वन। ड्राइव्स दिस वन इन द गैप, बीट्स द मैन एट एक्स्ट्रा कवर, इज ही गोना बीट द अदर वन हु इज इन परस्यूट ऑफ द बॉल। होडा, ही डज वेल, ब्रैड ड्रैग्स इट बैक इनटू द विलेज, चांस ऑफ अ रन आउट, बट द चांस गोन बैगिंग अगेन। And three more runs added, 134 for two. 134 दो विकेट के नुकसान पे 12वें ओवर की समय गेंदबाजी चल रही है, सलीम मीर गेंदबाजी कर रहे हैं और ऐसे में स्काई स्टार बडगाम की टीम धीरे धीरे से अब उस लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रही है। यहाँ एक दो विकेट चटकाने होंगे, यहाँ रनगति पे अंकुश लगाना होगा, लेकिन वो अभी तक नहीं मिला है क्योंकि दबाव में इस समय सुल्तान के गेंदबाज जरूर रहेंगे, आस्किंग रेट जो है उतना ज्यादा है नहीं। और ऐसे में रन संख्या की अगर हम बात करें, वो जो शुरुआत में बहुत बेहतरीन विस्फोटक अंदाज अपनाया बल्लेबाजों ने, वो ठोस आधारशिला दी जिसके दम पर एक बेहतरीन स्थिति में इस समय स्काई स्टार बडगाम की टीम। And it's 134 for 2, 11.4 done over number 12. After this one, 36 balls remaining. And wraps him on the pad. Little shot for LBWN, turned down by umpire. And bowler decided against appeal straight away. He knew that it was going down the leg. And that angle drags it down towards leg stump. Just outside that, 135 for 2 in over number 12. 37 balls, 54 needed. And this lad is here, Mr. Imran Butt, the man behind the tournament. And it's 135. Treat goes to Imran and entire team. Together everyone achieves more. Delgate Sports Club. And here is Salimir again. Tries this one but finds his man in place again. And he's off with the shot. One more run added. 12 done, 136 for 2. 12 के बाद 136 दो विकेट के नुकसान पर। यहाँ सबसे बड़ी समस्या, अभी तक विकेट नहीं मिले, मात्र दो विकेट शबीर लेफ्टी और नासिर कुमार के रूप में सुल्तान वारियर। उसके बाद आसिफ रमजान और आदिल काचरू एक बेहतरीन साझेदारी, एक आत्मविश्वास भरी पारी दोनों छोर से। आदिल काचरू और आसिफ रमजान खेल रहे हैं, किसी जल्दबाजी में नहीं है क्योंकि जानते हैं यहाँ कोई मानसिक दबाव उन पर है नहीं। आत्मविश्वास के साथ, संयम के साथ, सहजता के साथ धीरे धीरे से साझेदारी को बढ़ा रहे हैं, ये देखते हुए कि अभी भी इस मुकाबले की अगर हम बात करें, आपके पास 8 विकेट सुरक्षित, निश्चित रूप से दबाव नहीं होगा और ऐसे में सिंगल डबल से स्ट्राइक रोटेट करते हुए इस पारी को आगे चलाया जा सकता है। कैन स्टिल विन इट विद दिस एंड यू नीड बाउंड्री रीच ओवर हियर टू कीप योरसेल्फ इन विद अ चांस, नॉट ओनली चांस, यू आर ऑलमोस्ट इन द ड्राइवर सीट, बट यू नो दैट क्रिकेट इज द गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज, थिंग्स कैन चेंज एंड वी हैव सीन इन द इनिंग नंबर 1 एंड हाउ थिंग्स चेंज इट ड्रास्टिकली। सो सुल्तान्स नीड अ काइंड ऑफ मैजिक हियर टू बाउंस बैक इन दिस गेम। हियर इज मंजूर back into the attack for the first time with the ball, with the bat, he was unstoppable. Now with the ball, can it turn the tide? देखिए आत्मविश्वास से भरे ये खिलाड़ी है, बल्लेबाजी में उन्होंने 80 रनों की वो ताबड़तोड़ विस्फोटक पारी मात्र 31 गेंदों से खेली, और गेंदबाजी में अब अवसर मिला है तो देखना होगा क्या यहाँ से एक साझेदारी को तोड़ करके एक विकेट प्राप्त कर पाएंगे अपने लिए। अपने इस वक्त मौका इस्तेमाल, बॉलर के सर के ऊपर से ऊंचा लंबा स्ट्रोक ठीक गेंद के बैंक हेडक्वार्टर की ओर, सीमा रेखा से मार जस्ट बोखारा छक्का। Wow, looking like a ball that's gone straight ever long gone, middled off the carpet and it flies all the way. What a six and what a shot, dances down the wicket. It reminds me of that six in Shalabuk and that six against Abid Gul. Oh, that was fantabulous, and it was Said Sagar who set him up and we just charged him up a bit and then he decided to go at it. Next one, here is the next one. This one gone over, square up the wicket, six more, two on the trot.
A pair of maximum here, another six, and that six brought to you by Just Bukhara. It's 148, 41 away. Sky Star, Anvej, Ancusp, and in control at the moment. देखिए अब जाकर के एक तरफा मुकाबला बना दिया बड़ी सहजता के साथ, 8 विकेट सुरक्षित, 148 तक पहुंच चुके हैं मंजूर पांडो की गेंद, और इस बार फिर खूबसूरत स्ट्रोक, लेकिन इस बार एक ही रन मिलेगा, केवल एक रन से संतुष्ट रहेंगे आज से प्रभुधर आदिल का शो, 149 दो विकेट के नुकसान पर 13वां ओवर पारी का चलता हुआ, 149 for 2, 40 runs away, and after this over they still have 30 balls, so for 32 balls remaining 40 needed, 40 of 32. Sultan is unable to stop that run flow, and at the moment batters are taking full toll. 149 for 2. They need a boundary each ever, and they are bringing in 2-3 boundaries each ever. And their current rate is on X1. Look at that one, riding on the bounce, keeps it away to a swooper of cover. One more run, 150 comes up, and the current rate is still 11.69 in ever. So you can understand it's still better. It's enjoying that high flying zone, and on the other side Sultans are unable to understand what to do, clueless, lip locket, shell shocked, speechless at the moment. 150 on the board, drives it straight down towards long on, there is production, done with 13, 151 for the loss of two. 151 13 ओवर पूरे हो चुके हैं सुल्तान वॉरियर्स से बारह बल्ला के विरुद्ध स्काई स्टार पटगाम, 8 विकेट सुरक्षित, 38 चाहिए जीत के लिए। अरे आपके पास 36 गेंदों का समाप्त आना बाकी है, 14 ओवर समाप्त पूरे हो चुके हैं, अरे ऐसे में पांच ओवर का आना बाकी है, तो 30 गेंदों से जीत के लिए 38 रनों की आवश्यकता, 151 रन संख्या पहुंच चुके हैं, 189 बनाने हैं, 8 विकेट सुरक्षित हैं। One or two big overs here will end all the scenes for Sultans here. But you know that cricket is the game of glorious uncertainties. Leaking today badly. First batters, top order failed. It was miserable outing. But in the middle, it was Manzoor, Mujib, Tawseef all batted in a gorgeous fashion. And all stood up to the occasion. But now with the ball, they are leaking again. They're bleeding at the moment. And Nag is here. The man from South Kashmir is talking of that, I'm going to kill everything here today. He will be tested. Because Didier Rangers won't leave this lad. They're going to apply more breaks on this lad, and Zubair is here. And it's 151 for the loss of two. Thank you, brother. And it's over number 14 about to start. 30 balls, 38 away. Akhil Mir is here, the new skipper of Royal Goodwill. And today it's a new day for this lad, new beginning. A new era begins for Royal Goodwill. Oh, this one blocks it back to the bowler. A lot of things happening, going here and there around the sun. A lot of things happening at the moment. Coming back to the game, and Sultans outplayed. You've got to give credit to Sky Star with the ball. They were up to the mark with the bat. They're right on top at the moment. देखिए स्काई स्टार ने बहुत बेहतर स्थिति अब अपने लिए प्राप्त कर ली है, इस बार स्ट्रोक खेला जरूर, वहाँ कवर्स में खिलाड़ी तैनात, थ्रो किया लेकिन रन पूरा कर लिया, दिशाहीन थ्रो, स्टम्प्स में सीधा नहीं पड़ा, अन्यथा खतरे में पड़ सकते थे। और ऐसे में मिर्जू ही और जो कि डेडो रेंजर्स टीम का हिस्सा है, अंक है, और ऐसे में एक रन और खाते में जुड़ा, एक रन के साथ रन संख्या अब धीरे धीरे से बढ़ती हुई 154 समाप्ते 153 दो विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद सलीम मीर गेंदबाजी कर रहे हैं, ऑप्शन से बाहर, हवा में उड़ता स्ट्रोक, और यहां चौका मिलेगा, गेंद सीमा रेखा से बाहर जा रही है, अब जाकर के सीमा रेखा के अंदर रोक लिया अथवा चौका, जी हां चार रनों का इशारा अंपायर का, जस्ट मोकारा चौका 157। टीजिंग इन द एंड बॉल ट्रिकल्स इनटू एडवर्टाइजिंग बोर्ड देयर, एंड दैट्स फॉर 157, एंड दैट जस्ट मोकारा फॉर, एंड नाउ दे आर 31 अवे, इज इट 32 away, 27 balls remaining. Adil Katru, and he's having some issues with his shoelace or pad, and someone from Sultan Warriors comes across, it's Manzoor, down to the character, he's trying to fix his shoelace there, and he's working on it. You can see that Manzoor is a brilliant guy and a wonderful cricketer. And it's 157 for the loss of two. Asif Manzoor is here, thank you brother, and coming back to the game, coming back to the chase. 32 away, 27 balls, and this is good sportsman spirit shown by Manzoor, comes across to fix his shoelace, and he's getting ready, and he's gonna face the likes of Salim Mir again. And this one, oh, I don't know how did that miss the stumps,
जस्ट पास्ट बाय विस्कडे, खूबसूरत गेंदबाजी, सो क्लोज येट सो फार। और ओवर में कुछ बेहतरीन गेंदें देखने को मिल रही हैं, लेकिन यहां दबाव सुल्तान पे होगा क्योंकि विकेट उन्हें मिले नहीं है। आदिल का थ्रो है सामने, 157 32 की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। और ऐसे में अगली गेंद लेकर के सलीम भी 14वां ओवर पार कर, उस ओवर के बाद 4 ओवर का खेल बचेगा। यहाँ एक और अच्छी गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, फिर बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, गेंद की लाइन में नहीं आए, खड़े खड़े अपनी जगह स्ट्रोक खेलने का प्रयास, आदिल का थ्रो का असफल हुआ, गेंद विकेट कीपर के दस्तरे में जाता भाई बगैर किसी रन के। Another dot ball here, Salimir. This is over number 14. 26 balls, 32 needed. And on strike, Adil Kachru is under 35, 27 balls. What an innings, what a cameo. Look at that one. And is he going to beat the man? He does, beats the man. That's four. Couple of bounces and into the cover point fence for four. That four brought to you by Jess Booker, 161. And with that boundary, they inch close. They are 27 away, Nazir, is it? 28 away, I think. 28 away from 24 balls, 7 and over. Gettable, chaseable, possible. Game on, chase on. And very much in control. Talking of these two lads, they're in ascendancy, right on top of the bowling at the moment. They are dictating terms and calling the shot at the moment. And the way these two lads are going up to the bowlers. 28 away, 7 and over is what they require. 4 over mein 28 run banane hain. 7 run prati over ke hisab se 8 wicket surakshit. Aur run is chitra pe ab jeet ki aur agressor ho rahi hai Sky Star Bargam ki team. Sultan Warriors, Baramala Agarwadi se purva do mokable. Ek jeet, ek haar, tisra mokabla. Aur yahan se yadi parajay hote hain to dusri haar ho gayi. Aur ank talika mein unke paas 2 ank hain. Aur ye unka tisra mokabla hai. Aur kal unka ek aur mokabla hoga. Aur ab lagatar unhe kuch behtar perform karna hoga. बेहतरीन प्रदर्शन करना होगा क्योंकि अगर इस मुकाबले की बात करें तो यहां अब मात्र 28 रन दूर स्काई स्टार बडगाम की, दूसरा मुकाबला रेंजर्स कश्मीर बनाम रॉयल गुडवे। अनदर बिग मैच इज लोडिंग दिस आफ्टरनून, बट दिस वन इट इज स्काई स्टार अप टू द मार्क इन ऑल द डिपार्टमेंट्स, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, एवरीथिंग इज वर्किंग एंड एट द मोमेंट दे आर राइट ऑन टॉप. And Sultan is clueless. Here is Nadeem Dar again. This one, it's a good shot. Width on offer. But Mujib is there to protect that one. Just a single. Now they're okay, 27. From remaining 22 balls. 27 रनों की आवश्यकता, 162 रन संभवतः बना लिए हैं। दो विकेट के नुकसान पर नासिर कुमार और शबीर लेफ्टी, ये दो आउट होने वाले बल्लेबाज थे। और इन परिस्थितियों में नदीम डार गेंदबाजी कर रहे हैं, आदिल का चौका है सामने, 27 की आवश्यकता। ये पारी का 15वां ओवर वर्तमान स्थिति में चलता हुआ। और आदिल काचरू अब बड़े आत्मविश्वास के साथ धीरे धीरे से अब उस जीत की ओर एक कदम बढ़ा रहे हैं, क्योंकि जानते हैं एक और ये जीत सुनिश्चित करने के यहाँ दहलीज पे खड़े हैं। और इस बार बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया, फिर समर्थन वहाँ पर नहीं मिला गेंद द्वारा, और गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ, बाकी का काम पूरा किया वसीम काशम ने। 27 की अभी भी आवश्यकता, अगली गेंद नदीम की, ये गेंद इस बार सीधे बल्ले से खेला जरूर, हालांकि उस ओर खिलाड़ी जब तक वे पहुंचे इम्तियाज लेफ्टी गेंद को फील्ड करते एक रन और खाते में जुड़ा, 26 की आवश्यकता यहां से जीत के लिए। And over number 15 in progress. Three overs remaining up to this one. Rasib Ramzan 23 of 80, Kachru 40 of 30 balls. And the second match of the day, Royal Goodwill taking on Dudu Rangers. That promises to be another big game. That's going to be match number 14 of Kashmir Cup season 2. This one shipping for the big shot. Doesn't middle, but simply but nonetheless gets a single. He wanted to go over mid-wicket but can't middle it. One more run at it, 164 for 2. 19 balls, 25 needed. 25 रनों की आवश्यकता, 19 गेंदों का आना भाके, हालांकि कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि आपके पास अभी 8 विकेट सुरक्षित है, तो ऐसे में यहां से कोई चमत्कार करना होगा तब जाकर के ये मुकाबला सुल्तान के पक्ष में आ सकता है, अन्यथा धीरे धीरे से उनके हाथ से फिसलता हुआ और यहां ओवर थ्रो के रूप में ये रन मिलता हुआ, एक रन और अब जाकर के 24 चाहिए अंतिम तीन ओवर्स में, 15 समाप्त, रन संख्या 165, दो विकेट के नुकसान। आस्किंग रेट इज 8 एंड ओवर, 15 done, 165 for 2, 8 batters in kitty, and current rate is still 11 and over. And look at their approach, positive approach, and from very word go, they look positive, and now they're on top, just 24 away. And you were talking about that, it is the third one for Sultans here, and they play two games, won one, lost one. So it's a kind of leveler.
or talking of the points table or the win percentage and that losing percentage, we can say that it's 50-50. You won one, lose one. They are 2 points out of four, two games, and today it's the third one. If they lose this one, and talking of the points table and that NRR, that's going to be the concern. निश्चित तौर पर, क्योंकि आगे जाकर के समस्या जरूर रहेगी उनके लिए अगर इस नेट रन रेट को बेहतर न किया गया। सुल्तान वारियर्स द्वारा हालांकि वो दूसरा मुकाबला आज, यदि इस मुकाबले को हारते तो दूसरा मुकाबला भी हारेंगे। हालांकि अंक तालिका में उनके 2 अंक हैं, 3 मुकाबले होकर के और उसके बाद एक और मुकाबला। हालांकि आने वाले समय में उनके मुकाबलों की अगर हम बात करें, डडू रेंजर्स के साथ 1 मुकाबला, उसके अलावा रॉयल गुडविल के साथ 1 मुकाबला और 1 मुकाबला उनका कैफे बैक कंट्री के साथ। तो ये 3 मुकाबले आने वाले समय में। एंड ऑल थ्री ओपोनेंट्स आर टफ to face, and it's going to be an uphill task. And all the three evenly poised teams and Sultans, they need to work on the basics and they need some decency in their approach in the coming games if they are to compete and if they want to stay alive. Here is the pressure, 18 balls, 24 away, leading edge, lobs off and goes down towards third man boundary, but there is a man, does well to stop the ball, he cuts it off but can't prevent that brace, so 2 more runs added. But we have seen many occasions today, ball taking that leading edge and goes past everyone down towards third man at that long stop boundary. यहाँ रन तो जरूर मिला। आदिल कचरू अब स्ट्राइक पे रहेंगे और 1 रन के साथ 166 समाप्त है, 166 दो विकेट के नुकसान पर, और अभी भी जीत के लिए 23 रनों की आवश्यकता। ये गेंद और इस बार बड़ा स्ट्रोक, खूबसूरत स्ट्रोक, लेकिन पीछे खिलाड़ी मुजीब शानदार क्षेत्र रक्षण, बिल्कुल बाउंड्री लाइन पे 1 रन और खाते में 167 तक रन संख्या पहुंचा दी स्काई स्टार बटगाम की। 167 फॉर 2, 22 अवे, 17 बॉल्स रिमेनिंग। इज इट 17? नो, आई थिंक वी आर 21 अवे, 16 बॉल्स रिमेनिंग। दिस इज ओवर नंबर 16 इन प्रोग्रेस। It's 18 over game. On strike will be Asif Ramzan, eyeing to go big because they want to finish it before 18th over here. 21 needed of 16 balls. In control at the moment as they have 8 of the batters in kitty. And talking of the middle order, the depth they have, it's 168. Next one, oh, missed out on that occasion. Swill on its axis, but on a well connected thin air, it's a dot ball. It's a precious dot ball like that of gold dust here. This is over number 16 we are in. 16th over in progress as we watch once again. It's going to be Pacer. Sahil Khan to continue. On strike is Asif Ramzan, left-hander. And it's, this one pulls this one in the gap, but fielder comes across to stop that one but can't prevent that second run. Oh, directed there and up goes the finger. He is caught short of his ground there and Asif Ramzan is run out here. He can't believe, out of context, and he's on his way, a bizarre kind of a way getting out, wasn't aware of that, and he's on his way back to pavilion. Third one down here. But the job is done to me. दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से डायरेक्ट हिट लगा और तीसरे विकेट के रूप में आसिफ रमजान को बाहर जाना पड़ा, लेकिन जैसा कि आपने स्पष्ट कर दिया, यहाँ परिस्थिति जो है उनके फेवर में है क्योंकि मुकाबला लगभग वो जीत की दहलीज पे खड़े हैं, मात्र कुछ 20 रन यहाँ से चाहिए और इस मुकाबले को जीतने के लिए। We have 1 more game coming up, loading this afternoon. That's going to be Royal Goodwill. It promises to be humdinger. It promises to be a big contest here between bat and ball. So all the beloved listeners, be ready for that match too. It's coming your way in a while from now. We will have a coin flip and soon after that, it's going to be roll on and game on. Let's move on. It's 169 for the loss of 3. To me, belated one. A late breakthrough. I think job is done. Yeah. अगर मगर क्रिकेट की भाषा में है नहीं, क्रिकेट के उन नियम में है नहीं, काश ये विकेट 30 रन 20 रन पहले लिया होता तो शायद कुछ परिस्थिति हो सकती थी, कुछ आसार जरूर यहाँ दिखाई देते, लेकिन ऐसा वणी सजाद सुल्तान नए बल्लेबाज आ रहे हैं, 20 चाहिए, 18 के दुकान बाकी। और निश्चित तौर पर अब जाकर के ये मुकाबला धीरे धीरे से अपने अंतिम चरण की ओर, समापन की ओर, ये 13वां मुकाबला समाप्त होने जा रहा है कश्मीर कप सीजन 2024 का, और ऐसे में अब एक और मुकाबला प्रारंभ होगा जहाँ डडू रेंजर्स की टीम भिड़ंत करेगी रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब के साथ। Crowd is in numbers here and we got a great attendance today. Huge crowd is in to witness Nog post Bow Valley cricket, and it's going to be Nog, Mr. Consistent Aki Mir in action, and Dudu Rangers, the champions.
They celebrated yesterday. And what a team, Dudu Rangers. And talking about Al Farooq Dudu, the man behind that club, and bit unlucky at times, chokers in the valley. And coming back to this one, 169 for 3. They're still 20 away. The asking rate is 8.57. Not a concern, as they have 7 of the batters in kitty. 20 away, 14 balls remaining. Need one tight over here to push it further and take it down to the last over. And you need to fight it out till the very last moment. That's what great athleticism is all about. देखिए इसमें तो कोई दोराय नहीं, क्योंकि अब स्काई स्टार पर गांव की टीम ने लगभग ये मुकाबला जो है अपने पक्ष में कर लिया है। यहां से कोई चमत्कार ऐसा होगा जो शायद सुल्तान को दोबारा लौटा सकता है इस मुकाबले में, अन्यथा धीरे धीरे से अब मुकाबला उनके हाथ से फिसलता चला जा रहा है। और सजाद सुल्तान नए बल्लेबाज आए हैं। If you remember that innings of Crewe Azad Stadium against the same opponent, and that day it was Sultan and Sajjad Sultan tsunami, oh, outside edge should have been taken, would have been absolute blind, and it goes past everyone down to the boundary for 4 runs, 4 of them. Streaky boundary is going to take that, but Nazir, had that catch been taken, things would have been different. Believe me, much needed one. You need to convert half chances, but he gets away with that one and gets a boundary for it. Just 16 away, healthy boundary, much needed. And sky is still getting that. Everything is falling in the way today. वो देखिए उनके पक्ष में जा रहा है और अंतर भी कम हुआ। 16 रन चाहिए यहाँ से जीत के लिए। और बाहरी किनारा, विकेट कीपर से चूक, फिर पीछे खिलाड़ी आए उनसे भी चूक, और ये चौका जरूर मिला। 16 की आवश्यकता यहाँ जीत के लिए। सजाद सुल्तान है सामने और ऐसे में गेंदबाजी सवाल साहिल खान कर रहे हैं। साहिल खान की ये गेंद इस बार फिर बड़ा स्ट्रोक, फिर सफलता नहीं मिली। एक और डॉट गेंद और यहाँ ओवर समाप्त हुआ। अब जाकर के अंतिम 2 ओवर्स का खेल समाप्त बचा है। 16 ओवर पूरे हो चुके हैं 173 पे 3, और जीत के लिए 16 रन अंतिम 12 गेंदों से। 16 needed in 12 balls, 8 and over exactly. Sharp 8 and over. 16 needed of 2 overs. And that boundary of the final ball just tilted other way again. 2 overs, 16 needed. और अभी भी 16 रनों की आवश्यकता, अंतिम 2 ओवर का आना बाकी है। 16 पूरे हो चुका, 18 के नियुक्त पारे, पारे का अब जाकर के 17 ओवर नदीम जान प्रारंभ करने जा रहे हैं। आदिल काचरो और सजाद सुल्तान की जोड़ी समय बीच मैदान में, काचरो सामना करने के लिए तैयार, फील्ड प्लेसमेंट का मुआयना करने के बाद पहली गेंद का सामना करेंगे। 16 की आवश्यकता, इस बार पहली गेंद पर बड़ा स्ट्रोक, 6 मिलेंगे। यहाँ गेंद सीमा रेखा से बाहर, कॉर्नर के ऊपर जस्ट मोखरा छक्का। बिगी टू स्टॉप द प्रेशर, just 10 away, but look at that, and he says take that Nadeem Dar, and that's gone over the corner. Skya Day Skya, 6 more, 50 comes up for Kachrup of 34 balls. What a knock, enterprising and entertaining everyone around the sun. बहुत ही बेहतरीन बुद्धिमानी का परिचय, खूबसूरत पारी, लाजवाब पारी, अर्धशतक ये पारी स्काई स्टार बड़गाम के लिए आदिल काचरो द्वारा। पहली गेंद पर छक्का, 10 चाहिए, 11 गेंदों का आना बाकी, और ऐसे में गेंदबाजी का दायित्व नदीम डार के पास। अगली गेंद लेकर के 10 रनों की आवश्यकता, आदिल काचरो के लिए गेंद, और इस बार फिर घूम कर पुल करने का प्रयास किया था, सफलता नहीं मिली, डॉट गेंद, और अब जाकर के 10 गेंदों से 10 रन चाहिए जीत के लिए। 10 ऑफ 10 रन अ बॉल. And here is Nadeem again to Adil Kachru. Kachru, oh, this one, beautiful shot, straight down the ground. Fielder does well to cut it off, but can't prevent that second run. With that couple, they're 8 away. One big shot, and you're very much there. 9 गेंदों से 8 रनों की आवश्यकता, ये अब तक का लेखा जोखा। काचरो है सामने, नदीम डार गेंदबाजी कर रहे हैं, 8 रनों की आवश्यकता, इस बार ऑप्शन से बाहर। ये गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में, एक और डॉट, और आप 8 गेंदों से 8 रनों की आवश्यकता। 8 ऑफ 8, 6 डॉट, कपल डॉट, ओह लुक एट दैट वन, बट देयर इज अ मैन एट लॉन्ग ऑन, ही इज इन बिजनेस, ही इज एंड इज टेकन, इट्स आदिल काचरो ऑन हिज वे बैक टू पवेलियन, विकेट नंबर 4 डाउन, टेकन एट लॉन्ग ऑन, few yards inside the boundary line, never easy with that verbal downwards, but does well, selling underneath the ball and taken in the end, he's on his way, wicket number 4 down, 181 for the loss of 4. 8 चाहिए, 7 गेंदों का आना बाकी, इस ओवर में विकेट जरूर मिला, लेकिन वो जो छक्का पहली गेंद पर था निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अंतर पैदा कर दिया। You're absolutely right, that big blow, and that one, it was a towering blow,
it tilt it other way again. And talking of fortunes, swinging wildly to and fro, and that pendulum is swinging wildly back and forth here in this match. And it's 181 for the loss of four. That's why this is called the game of glorious uncertainties. It's going to be who's gonna walk in. It's who's in at number six. We'll have to wait and watch why Tele walks in at number six. And Azir, another technically sound batter, walks in at number six. It's why Tele. Mansoor says, I won't agree with this one, but I believe that this lad is technically sound. And he's a terrific wicketkeeper batter. Even for a few days back, praise of this lad. Have you gone through that tweet? And he tweeted for this lad and said he is a multi-talented lad. He's a future star in making. Walks in at number six. 181, 8 away, 7 balls remaining. Sultans need miracle. देखिए यहाँ अब वो मैजिकल मैन जिसे आप कहते हैं उसकी आवश्यकता है और शायद उसके दम पर कुछ हो सकता है क्योंकि 7 रन क्रिकेट महाराणा शिंदों का खेल है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन यहाँ आपके पास बल्लेबाजी है क्योंकि आपने 4 विकेट खोए हैं, 6 विकेट नीड अ गोल्डन आर्म एंड मैजिकल वैंड इन हैंड to make it happen here. और अब जाकर के 7 गेंदों से 8 रनों की आवश्यकता है तेली के लिए. ये गेंद और इस बार पैड पे टकराई लेकिन अपील को स्वीकारा नहीं. ओवर समाप्त 6 पे 8. Well, we're done with over number 17. Penultimate comes to an end. 6 balls, 8 needed. Nazir, what a game is loading on card to see it. Last over, 8 needed. I think Sultan need too many dot balls up front. अंतिम ओवर में किसे it should be 2 dots in a row. जी बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं क्योंकि 2-3 डॉट गेंदे फेंकनी होगी इस अंतिम ओवर में सामने सजाद सुल्तान और वाहिद तेली की जोड़ी. हालांकि उसके बाद भी आपके पास बल्लेबाजी है तो कहीं ना कहीं कहना चाहिए कि यहाँ क्रिकेट है, महान अनिश्चितताओं का खेल है. क्या यहाँ से इस ओवर में जो आपको 8 रन समझते अंतिम ओवर में 8 रनों की आवश्यकता है, 8 चाहिए आखिरी 6 गेंदों से 181 जी हाँ 8 रनों की आवश्यकता 189 बनाना है, 8 रनों की आवश्यकता 6 गेंदों का आना बाकी. और ऐसे में बड़े खूबसूरत और दर्शनीय नजारा है इस समय मैदान के अंदर का. और यहाँ कमेंट्री बॉक्स में भी आप बात करें तो बड़ा दिलचस्प और बेहतरीन और खूबसूरत नजारे जहाँ उनका आनंद लिया जा रहा है. सर्पेंटाइन एंड वेलकमिंग बैक टू द गेम. 6 बॉल्स 8 अवे, 2 बिग शॉट्स विल सील द डील, विल सील इट फॉर स्काई स्टार एंड 2 मिनी डॉट्स will seal it for Sultan Warriors. Who's going to prevail in the final over? 6 balls, 8 needed. On strike will be Sajjad Sultan. And that last season, Nazir, that last year final in crew, and it was the Sam Sultan who took game away from Sultan Warriors. But today it's a new day, it's a fresh day, and it's a different venue. 181 for 4. First ball of final over. Sajjad plays it straight down towards mid-off. Oh, look at that one. What's going on? Unable to react in time. Should have been taken. You needed a wicket of the very first ball. And it's a single of the first ball. 7 needed of 5 balls. 5 गेंदों से 7 रनों की आवश्यकता. वाहिद तेली सामने होंगे और गेंदबाजी का दायित्व यहाँ साहिल खान के पास. क्या साहिल खान ये 7 रन यहाँ बचा पाएंगे अपने लिए और अपनी टीम के लिए, ये देखना होगा. 7 की आवश्यकता, 5 गेंदों का आना बाकी. तेली के लिए हवा में उड़ता हुआ स्ट्रोक चौका मिलेगा. एक डिब्बे के बाद गेंद सीमा रेखा से बाहर निकल गई. यस, लोहा का चौका. एंड ही डिसाइडेड टू गो एट इट, वॉक्स डाउन द ट्रैक एंड हिट्स इट over extra cover, couple of bounces and into the fence. That's 4, just 3 away from winning this one. It's 186, 4 balls remaining, 3 needed, and what a shot. Skips down the track and hits it away, puts it away. Here is ball number 3. Is this going to be the final ball? And this one hits him on the body, goes down towards fly slip area, and the two batters pinch a single. Oh, chance of a run out. I think he's shored up his ground there. He's run out on the other end. Still 2 away. Drama, mix up. And Sajjad Sultan is out here. एक और विकेट का पतन और अब 2 चाहिए जीत के लिए. और संभवते अभी भी 3 गेंदों का आना बाकी है और 2 रनों की आवश्यकता है मुकाबले को जीतने के लिए. एक बार फिर यहाँ सनसनी इस मुकाबले में, विकेट जरूर मिला. सजाद सुल्तान रन आउट होकर के मैदान से बाहर, 2 रन के प्रयास में वो आउट होकर मैदान से बाहर चले जाएंगे. 1 रन तो जरूर मिला. 2 चाहिए जीत के लिए, 3 गेंदों का आना बाकी.
two balls or three balls two needed, one to tie, two to win, one for super over, two will mean Sky are over the line. They are two away, three balls remaining, one more bites the dust. That brings new batter to bat, and it is Yasin walks in at number seven. Oh, is it Yasir Kulghami? Oh, it's Yasir Kulghami. Why he's promoted up the order? Any special reason? I think he's using long handle. That's why he's promoted up the order. There's nothing to lose, everything to you. Just go and express yourself. It's like that captain conveying a message. हालांकि ये सब सोचकर कप्तान ने, हालांकि यासीन का भी आना बाकी है, आपके पास प्रमुख हथियार है, आपके पास बल्लेबाजी अच्छी खासी है. हमने पहले भी जिक्र किया था, अगर प्लेइंग 11 की बात करें तो स्काई स्टार बडगाम के पास नंबर 9 नंबर 10 तक बल्लेबाजी है, और ऐसे में यासर कुलगामी को पहले भेजा गया है नंबर 7 पे. ये देखते हुए कि यासीन भट्ट को अभी पीछे रखा गया, लेकिन यहाँ तीन गेंदों का आना बाकी. वाहिद तेली सामने रहेंगे और दो रनों की आवश्यकता मुकाबले को जीतने के लिए. टू नीडेड थ्री बॉल्स. Sahil Khan is operating. This is over number 18. And Harris Bhatt, thank you. And it's over number 18 in progress. Here is Sahil again. On strike, Yasir Kulghami or... Oh, Yasir is on strike here. And it's going to be Yasir or Tele. We'll have to wait and watch. Why Tele is on strike to me. And here is Sahil again. Three balls, two needed. Wicketkeeper way, way behind. Oh, dabs it. And call is for two. Is he going to come back for the second? Could be tight! Could be tight! And he's home! Sky Star prevail in the end with that brace. And it's 189. Sky Star won by 5 wickets with 2 balls to spare. It's Maisalam Munawwar alongside Nazir and Mir Mansoor signing it off with this message. We'll be back shortly with the second game of the day. Take care of yours. Assalamu alaikum and fi amanallah.